नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र महावर आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल की ऑनलाइन स्टडी में। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं मेंडल्स के वंशागति के नियम। इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई अपडेट्स हो चैनल पर वो आपको जल्द ही मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा मेंडल के वंशागति के नियम। देखिए दोस्तों, मेंडल जो उनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको वंशागति के जनक माना जाता है, इन्होंने वंशागति के तीन नियम प्रस्तुत किए। वो नियम इस प्रकार है। पहला नियम प्रभाविता का नियम, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। सेकंड नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसको पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड लॉ है उनका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। ये हैं मेंडल के वंशागति के तीनों नियम। अब इन्हीं नियमों को अपन वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला नियम पढ़ेंगे आज प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम एकल संकर संकरण पर आधारित है, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसके अंदर है। इसमें जब एक जोड़ी विप्रियाशील लक्षणों को आधार मानकर संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है प्रभाविता का नियम, क्योंकि इसके अंदर ये बताया जाता है कि F1 पीढ़ी मतलब प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे, प्रभाविता का नियम कहेंगे। इसी को ही उदाहरण से समझते हैं। देखिए दोस्तों, उदाहरण है अपना, जैसे जनक मींस पेरेंट, बात करते हैं लंबा पौधा, लंबा पौधा, दूसरा बोना पौधा। लंबे पौधे के लिए जीन रख जो अपन युग्म विकल्पी रखा जाता है वो क्या रखते हैं, कैपिटल टी और टी, और बोने के लिए दोनों स्मॉल टी। देखो ये दोनों क्या है, शुद्ध हैं, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बोना पौधा। यहाँ पर अपन वही कंडीशन अप्लाई करते हैं जो हर बार करते आ रहे हैं, अपन क्या करते हैं अर्धसूत्री। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, अर्धसूत्री हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। इसके बाद अपन क्या कराते हैं, यहाँ पर क्रॉस कराते हैं, और क्रॉस कराने पर यहाँ मिलती है अपने को प्रथम पीढ़ी। क्या मिलती है, प्रथम पीढ़ी। ये F1 पीढ़ी है जिसमें क्या होते हैं, सभी लक्षण कैसे आते हैं, सभी पौधे कैसे मिलेंगे, प्रभावी लक्षण। सभी पौधे कैसे मिलेंगे, सभी पौधे लंबे, मतलब यहाँ पर कौन सा लक्षण निकला, प्रभावी। यहाँ पर प्रभावी जीन कौन सा है, कैपिटल टी, और कैपिटल टी का प्रभावी लक्षण क्या है, लंबापन। यानी यहाँ पर सभी पौधे कैसे मिलेंगे, प्रभावी मिलेंगे, मतलब सभी पौधे लंबे मिलेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आया समझ, नेक्स्ट चले। तो अपना नेक्स्ट जो नियम है वंशागति का वो है युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर क्या, युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर उसको कहते हैं पृथक्करण का
नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बात करते हैं सेकंड नियम की, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बात करते हैं इसमें, ये भी एक संकर संकरण पर आधारित है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड है ये भी। इसमें भी जब एक जोड़ी विप्रियाशी लक्षणों को आधार मानकर संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, लेकिन अप्रभावी लक्षण वहां पर गायब नहीं होते, केवल छिपे रहते हैं जो आगे की पीढ़ी में, मतलब F2 पीढ़ी में या सेकंड पीढ़ी में जाकर वो पृथक हो जाते हैं और पृथक होकर अपना अपना लक्षण प्रकट करते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है पृथक्करण का नियम, क्योंकि दूसरी पीढ़ी में सारे जीन अपने अपने लक्षण क्या कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। देखिए उदाहरण से, वही उदाहरण लेते हैं अपन, लंबा और बौना पौधा का जनक पेरेंट, वही लंबे पौधे सभी लंबे, लंबा पौधा और इधर वही बोना पौधा, बोना पौधा। लंबे पौधे के लिए जीन रखे अपन ने कैपिटल TT और बोने के लिए स्मॉल TT यही रखे। इसके बाद क्या कराया, अर्धसूत्री, तो अर्धसूत्री में दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग, तो ये भी अलग हो जाएंगे। फिर यहां पर क्या करवाया, क्रॉस, क्रॉस कराते हैं यहां पर क्या बनी अपने प्रथम पीढ़ी कैपिटल टी और स्मॉल टी, और प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या मिलेगा, केवल प्रभावी लक्षण, और प्रभावी लक्षण कौन से हैं, प्रभावी लक्षण है अपने लंबे पौधे। तो यहां पर सभी पौधे कौन से होंगे, लंबे, तो सभी पौधे लंबे। यहां तक की बात तो अपने प्रभाविता के नियम को शो करता है। आगे की बात करें तो यहां से कहा है कि जैसे ही अगली पीढ़ी जाती है, मतलब सेकंड पीढ़ी में जाते हैं, तो सभी जीन अपने अपने लक्षण पृथक होकर अपने अपने लक्षण दिखाने लगते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये स्व परागण, और स्व परागण होती है यहां पर जो है एक टेबल सी शो होगी ऐसी, ठीक है, ये बनी ये, यहां पर मेल फीमेल, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस करेंगे तो दोनों कैपिटल टी, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, वैसे ही इसको करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे करेंगे दोनों स्मॉल टी। देखे लक्षण, देखे लक्षण प्ररूप अनुपात, लक्षण प्ररूप अनुपात मतलब लक्षण प्ररूप अनुपात को क्या कहते हैं, फिनोटाइप रेशियो कितना आता है, देखो लक्षण प्ररूप क्या क्या मिलता है, लंबा पौधा और बोना पौधा। तो देखो यहां पर सभी पौधे लंबा यानी लंबा पौधा अनुपात बोना पौधा कितना है, देखो उसमें देखो फटाफट से, बोना पौधा कितना है बताओ, मिला, ये देखो ये लंबा और ये बोना, मतलब 3:1, 3 पौधे बने लंबे और 1 पौधा बना बोना। तो इस तरीके से लक्षण प्ररूप अपने को मिले, मतलब अप्रभावी भी यहां पर प्रकट हो चुके हैं, इसीलिए इसको कह रहे अपन पृथक्करण का नियम। क्यों, क्योंकि यहां पर जीन जो है वो विकल्पी जो है पृथक हो जाते हैं और पृथक होकर अपना अपना लक्षण दिखाने लगते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। ठीक है, नेक्स्ट नियम पे चले। तो नेक्स्ट नियम है अपना युग्मकों की, सॉरी नेक्स्ट नियम क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम देखते हैं हम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जिसको कहते हैं लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। बात करते हैं इसकी, तो स्वतंत्र अवयवन है वो द्विसंकर संकरण या बहु संकर संकरण पर आधारित है। इसमें दो या दो से अधिक जोड़ी विप्रियाशील लक्षणों को आधार मानकर संकरण कराया जाता है, तो सभी युविकल्पी स्वतंत्र होकर अपनी अपनी वंशागति प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक लक्षण की वंशागति पर दूसरी लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर सभी लक्षण हैं अपने अपने लक्षण की स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, वंशागति करते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करती द्विसंकर संकरण में, द्विसंकर संकरण का अपने पहले क्लास ले लिए, तो उसको आप देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक है, तो उसको आप देख सकते हैं वहां से। तो यहाँ पर अपन डायरेक्टली बात करेंगे कि उसके उदाहरण की, तो उदाहरण में अपन ने बात करी थी कौन कौन से, गोल व पीले बीज वाले पौधे और जुरीदार व हरे बीज वाले पौधे, इस तरीके से बात करी थी। तो अपने को लास्ट में जाकर, एंड में जाकर जो लक्षण प्रकट हुए थे वहां पर लक्षण प्ररूप का अनुपात, लक्षण प्ररूप अनुपात कितना मिला था, लक्षण प्ररूप अनुपात वो मिला था अपने को कितना, 9:3:3, मतलब ये दर्शाते हैं कि सभी लक्षण अपने अपने वंशागति स्वतंत्र रूप से करते हैं, एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है, सभी अपनी अपनी लक्षण की वंशागति करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये द्विसंकर संकरण में क्या है, अनुपात है, लक्षण प्ररूप अनुपात। जिसने पिछली वीडियो मिस करी हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है द्विसंकर संकरण का, वहां पर से उस वीडियो को एक बार देखें फिर इसको मैच करें, आपको समझ आ जाएगा। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको इस वीडियो का फायदा मिल सके। थैंक यू, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।